ဒါ <laughs> पृथ्वी पर इस मृत्युलोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो आज का यह सुंदर मंगल प्रभात यह भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर इस मृत्युलोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में युद्ध कला द्वंद युद्ध कला का धर्म के साथ का संबंध आध्यात्म के साथ का संबंध इस विषय पर आगे ले जाऊंगा पूरी की पूरी जो द्वंद युद्ध कला है या उसका स्वरूप है वो इस तरह का है कि जो हमारे भीतर मन छिपा छिपा काम करता है भावनाएं हमारे भीतर जगती है और हमें जो पता नहीं है इस तरह से वो सरकती है जिसका दर्शन हम ठीक से नहीं कर रहे हैं या जो विचार का खेल भीतर चल रहा है मन का खेल भीतर चल रहा है वो ठीक से हम देख नहीं रहे हैं भावनाओं का जो खेल भीतर चलता है चढ़ाव उतराव चलता है वो ठीक से हम देख नहीं सकते हैं तो द्वंद्व युद्ध कला ठीक से समझी जाए तो पूरी की पूरी <coughs> इस तरह की प्रक्रिया है कि तुम्हारा जो मन है उसको बहिर्दर्शन करवा देता है पूरी प्रक्रिया इस तरह की है कि तुम्हारा पूरा मन जो मन का पूरा जो स्वरूप है बहिर्गामी मन फिर जो मध्यस्थ मन है जो पूरा सुसुप्त भी नहीं और पूरा जागृत भी नहीं तो जागृत मन है अर्ध जागृत मन है और सुसुप्त मन है मन का पूरा स्वरूप अगर ठीक से द्वंद युद्ध कला को उसमें डूबा जाए उसकी प्रक्रिया को ठीक से समझी जाए तो पूरा का पूरा तुम्हारा मन स्पष्ट हो जाता है तुम्हारी आंखों के सामने कि भीतर क्या चल रहा है किस तरह की भावनाएं अभी भीतर छिपी है या जो बाहर की आत्मिक शक्ति है जो हमें छूती है बाहर के विचार है जो हमें स्पर्श करते हैं हमारे भीतर जाते हैं बाहर की भावनाएं हैं, बाहर के व्यक्तियों की भावनाएं वो भी हमें जाने अनजाने छूती है तो वो सारी बातें स्पष्ट हो जाती है अगर ठीक से इस प्रक्रिया को लिया जाए तो क्योंकि इसका कारण है कि इसमें प्रतिस्पर्धी आपके सामने आता है और प्रतिस्पर्धी कोई बाहर की बात नहीं है प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धी हमारे भीतर है तो जो बाहर प्रतिस्पर्धी के साथ जो प्रक्रिया करनी पड़ती है उसके कारण एक ही हो मात्र एक ही प्रतिस्पर्धी है उसका अगर ठीक से उपयोग किया जाए तो तुम पूरा मन समझ सकते हो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है और जो मुख्य बात है वो है प्रतिस्पर्धा स्पर्धा करनी स्पर्धा किस लिए तो स्पर्धा का भाव है कि बाहर कुछ है स्पर्धा का इतना ही अर्थ है कि बाहर कुछ बाहर से कुछ प्राप्त करना है जब तक तुम्हारे भीतर यह भावना है कि बाहर से कुछ प्राप्त करना है तुम्हें पता नहीं जब तक तुम ठीक से नहीं समझोगे मन को तुम्हें पता नहीं चलता कि मन क्यों चल रहा है अगर जागृत मन चल रहा है तुम्हारा बहिर्मुखी मन चल रहा है जो संसार के साथ जुड़ा हुआ मन चल रहा है तो उसका इतना ही कारण है कि अभी कुछ ऐसा भाव है भीतर पता नहीं है हमें पता नहीं है लेकिन अभी कुछ ऐसा है हमारे भीतर के बाहर से कुछ लेना है बाहर से कुछ प्राप्त कर लेंगे तब हमें मिलेगा ऐसा भाव है भीतर तभी तक प्रतिस्पर्धी है क्योंकि स्पर्धा इसलिए है कि बाहर कुछ है और वो ऐसी चीज है कि अगर मैं पहला जाऊं तो मैं ले सकता हूं अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो मेरा प्रतिस्पर्धी पहुंच जाएगा और वो ले लेगा ऐसी भावना तुम्हारे भीतर है कि नहीं सूक्ष्म भावना को देखना है पूरी की पूरी जो द्वंद युद्ध प्रक्रिया है उसका विज्ञान है प्रतिस्पर्धा और यह भाव तुम्हारे भीतर है अगर है तो तुम्हारा बहिर्मुखी मन चल रहा है तो उसका जो विज्ञान है वो ऐसा है कि तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भाव है कि बाहर से सुख प्राप्त हो सकता है बाहर से कुछ प्राप्त करना है अगर वो नहीं है तो तुम्हारे भीतर प्रतिस्पर्धा नहीं, नहीं रहेगी वो देखना है किसी को दिखाने की बात नहीं है मैं जो तुम्हें कहता हूं वो किसी को दिखाने की बात नहीं है कि मेरे भीतर अब प्रतिस्पर्धा नहीं है मैं जाहिर करता हूं वो जाहिर करने की जरूरत ही नहीं तुम्हारा व्यवहार कह देगा तुम्हारा बैठना उठना बोलना सारी प्रक्रिया बता देगी कि अभी तुम्हारे अब तुम्हारा प्रतिस्पर्धा में कोई रस नहीं अपने आप घटेगा वो अपने आप लेकिन प्रक्रिया इस तरह की है जैसे कि नृत्य कला है वो भी दिव्य कला है लेकिन इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं है तुम अकेले करते जाते हो अकेले करते जाते हो द्वंद युद्ध की प्रक्रिया है और जिसके पास शारीरिक क्षमता है जो अभी युवान है या युवान की तरह है जिसके पास पूरी शक्ति है उसे तो ठीक से द्वंद युद्ध प्रक्रिया समझनी है जितने भी स्टेप्स है उस पर काम करना है ठीक से काम करना है और भीतर पूरा मन स्पष्ट कर लेना है कि कहां है हम कहां पर है जब तुम धर्म की यात्रा में निकलते हो जैसे हम भौतिक यात्रा पर निकलते हैं कई स्थान पर जाते हैं, तो भी वहां हम देख लेते हैं कि हम कहां पहुंचे आधा अंतर काटा नहीं काटा कितने दूर है अभी हमारी मंजिल कितनी दूर है इसी तरह से हमें समझ लेना है कि हम कहां अटके हैं, जो रोज के बनाव है रोज के बनाव और जो शिक्षण में तुम्हें तुम्हारी सामने दे रहा हूं या इस जगत को मैं एक नया शिक्षण का दृष्टिकोण दे रहा हूं कि जीवन स्वयं समझना है जीवन स्वयं प्राप्ति है कई तुम्हें शिक्षित के कई बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ेगा शिक्षण का अर्थ है कि तुम परम संतोष तक पहुंच जाओ तो तुमने प्राप्त कर लिया तुम्हारी शिक्षा पूरी जिस दिन तुम परम संतोष प्राप्त कर लो पूरा संतोष पूरी तुम्हारी शिक्षा तुमने प्राप्त कर लिया तो मेरा यह दृष्टिकोण है कि जो पूरा जीवन है उससे ही हमें शिक्षण बना देना है कि जीवन की जो घटनाएं है उसमें हमें समझना है कि आज के दिन के जितने बनाव है जितने बना तुम्हें उसमें इतना ही देखना है कि तुम कितने हुए आखिर तुम मेरे पास आए हो किस लिए आए हो तुमने अगर गुरु को चुना है किस लिए चुना है गुरु को किस बात के लिए चुना है तुमने गुरु को या तुम धर्म समझ रहे हो क्या समझ रहे हो तुम धर्म में धर्म की दिशा में तुम क्या समझ रहे हो तुम अपना घर छोड़कर मेरे पास आयो सुख सुविधाएं छोड़कर तुम मेरे पास आयो किस लिए आयो क्या कर रहे हो या तुम्हें तुम्हें कहूंगा पूरा दिन हाथ में से जाने नहीं देना है जो छोटी छोटी बात है जीवन की छोट और मैं तुम्हें कहता हूं छोटी छोटी बातों से ही जीवन बनेगा अगर हम कहीं पहुंचते हैं तो एक एक पैर रखकर चल के पहुंचते हैं कहीं तुम डायरेक्ट यहां से जंप मारकर दिल्ली नहीं जा सकते इस तरह से तुम तुम्हें अगर परम सत्य को जानना है समझना है जीवन की गहराई को छूना है किस तरह से छूओगे तपश्चर्या और साधना है क्या अकेले में जरूर बैठो अपना दर्शन करो अंतर दर्शन के भीतर क्या फरियाद है अभी अभी कितना संसार भरा है भीतर भीतर जगह कितनी बनी स्पेस कितनी बनी अकेले में देखो जब समय मिले तुम आंख बंद करके देखो कि चलो कितनी स्पेस बनी में देखो जरा कितनी और ये रोज करना है जब भी समय मिले कि तुम जिसा, जिस जिस दिशा में जा रहे हो वो दिशा है परम सत्य प्राप्त करने की परमात्मा की उपलब्धि परमात्मा का अर्थ है अवकाश तो तुम्हें रोज देखना है जब भी समय मिले सुबह शाम दोपहर जब भी समय तुम्हारे पास तुम्हें देखना है कि भीतर कितनी स्पेस बनी और बाहर के बनाव तुम्हें ये दिखाएंगे कि तुम कितने ऊपर उठे बाहर के बनाव जो भी है वो इतना ही दिखाते हैं कि हमारा लगाव कितना है अभी हमारा लगाव पैसों के साथ या छोटी मोटी घटनाएं है उसमें पता चलेगा कि अभी भीतर अहंकार कितना है कि मैं यह करना चाहता था और कोई व्यक्ति आके दूसरा कुछ करवाता है तो भीतर कितना धक्का लगता है यह ऐसा हर एक भी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उससे एक भी घटना हाथ से जाने नहीं देनी है एक भी घटना ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारे तुम्हें गाली दे तो ही भीतर देखना है कोई जब तुम्हारी प्रशंसा करे उसमें ज्यादा संभलना कि कोई आके तुम्हारा प्रशंसा करता है कि वाह क्या तुम्हारा काम है तुमने क्या अच्छा किया ऐसी कोई भी प्रशंसा करता है तुम्हें ठीक से देखना है कि यह प्रशंसा है तो मेरे भीतर कितना फूलाती है मुझे मेरे अहंकार को कितना फूला रही है भीतर से क्योंकि प्रशंसा में अगर तुम फूले तो जब भी कोई आकर तुम्हारी निंदा करेगा तुम जितने फूले हो जितना ऊपर चढ़े हो तुम प्रशंसा में जितना उसने फुलाया है फुगा में जितनी हवा भरी है कोई आके थोड़ा सा तुम्हें कह देगा तुम्हारे फुगे से हवा निकल जाएगी तो हर एक घटना में यह देखना है इतना ही समझो आज कोई घटना घट गट रही है तुम्हारे साथ आज कोई गट, आज कोई व्यक्ति आके मुझे गाली देता है या मेरी निंदा करता है और मुझे शोक लगता है तो उसका इतना ही अर्थ है कि अभी वो गाली पचाने की क्षमता नहीं आई मेरे में मेरे मुझे समझ ना आई कि अभी वो गाली पचाने की क्षमता नहीं मेरे भीतर अभी स्पेस बनी नहीं कि मैं उसकी गाली खा जाऊं पी जाऊं उसका मजा ले लो वो अभी कला मैंने जानी नहीं दिव्य कला जानी नहीं दिव्य कला का अर्थ है जो प्रकाश की ओर ले जाए तुम्हें कला नहीं तो वो दिव्य कला कहीं नहीं जाती लौकिक कला होगी तुम्हारी शक्ति बाहर चली गई मुझे यह देखना है कि कोई आके मेरी निंदा करता है या मेरा खराब बोलता है तो मेरे भीतर से कितना प्रतिकार उसके और चलता है कि मैं भी उसे दिखा दूं उसने एक गाली दी तो मुझे नहीं आता है क्या तुम ऐसा समझते हो कि मेरे में ताकत नहीं है है अगर दुश्मन जमाना गम नहीं हम भी कोई कम नहीं ऐसा आता है भीतर से अगर आता है तो प्रतिकार है प्रतिकार मन का लक्षण मन समझना है पूरा मन का स्वभाव क्या है समझना है प्रतिकार तुम्हारे भीतर है तो इतना ही समझना है कि मन है जिस दिन तुम्हारे भीतर प्रतिकार रहेगा ही नहीं मन रहेगा ही नहीं प्रतिकार रहेगा ही नहीं प्रतिकार रहेगा ही नहीं, रहे नहीं मन होगा ही नहीं तुम और यह कोने कोने में देखनी है और बात तुम्हें समझने के लिए है, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि अब मेरे भीतर कोई प्रतिकार न रहा तुम घटना की राह देखो कि मैं जरा देखू आज का पूरा दिन है कि मैं कितना मुक्त हूं क्योंकि मुक्ति कोई भविष्य में थोड़ी है मुक्ति है तो वो आज आज की घटनाएं दिखाएगी कि तुम कहां हो चलो वो आज की घटनाएं दिखाएगी तुम्हें कि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ कुछ वर्तन कर रहा है तुम्हें कितना भीतर दर्द दे रहा है कितना दुख दे रहा है और उस दुख के लिए रोना नहीं है मैं तुम्हें एक बात को दुख को कभी रंग रोगान करने का प्रयत्न करना ही मत तुम जितना दुख का वर्णन लंबा चौड़ा लंबा मैं देखता हूं संसारियों को एक छोटी बात होती है मैं कहता हूं ठीक से कहो तुम्हारा प्रश्न क्या है और मैं मैं उसका विज्ञान कहता हूं यह पूरा विज्ञान तुम्हें समझाऊंगा जो स्पिरिचुअल साइंस है उसका यह भाग है कि तुम कोई ऐसी व्यक्ति के पास जाते हो कि जहां तुम आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने जाते हो तब एक बात समझो तुम समझ लो तुम गुरु के आगे तुम्हारी बात कहते हो तुम जितनी लंबी चौड़ी बात करोगे गुरु को तकलीफ पड़ेगी तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्व करने में तुम जितने स्पष्ट गुरु तुम्हें ऐसे उठा लेंगे देखो क्योंकि स्पष्टता ये तुम्हें समझा रहा हूं स्पष्टता आत्मा का लक्षण तुम्हारे भीतर से जितना मन समाप्त होता जाएगा विचार समाप्त हो होता जाएगा तुम स्पष्ट तुम्हारे भीतर से जो निर्णय आएगा कि जाना है यूनिवर्सिटी में दस दिन का कोर्स है वीडियोग्राफी का तुम चले ही जाओगे तुम देखोगे नहीं कि पीछे क्या होगा ये क्या कहेगा वो क्या कोई जरूरत और मैं सदा तुम्हें ये सिखाऊंगा जरूर मैं तुम्हें मदद करूंगा अगर तुम्हें कहीं मार्गदर्शन की जरूरत है तो मैं जरूर कहूंगा कि मेरा दृष्टिकोण ये है कि तुम जाओ तुम न जाओ ठीक है लेकिन मैं तुम्हारे पर छोड़ूंगा कि तुम्हारे भीतर से क्या आ रहा है कितनी स्पष्टता चलो मैं जाऊं जाऊं भीतर से तुम्हारा आत्मा कह देगा कि यह बात करने जैसी है मैं होकर आऊं मैं जाऊं कंफ्यूजन नहीं चलेगा और कंफ्यूजन चले तुम्हें पूरा समझना है मन किस तरह से काम करता है मन कहता है आधा कि यूनिवर्सिटी का कोर्स जाऊं में आधा मन कहता है कि ना ना यहां चली राय ने इसमें सीखने जैसा क्या है वहां जो सीखते वो यहां आके हमें सिखा देगा इस तरह से चलेगा मन लेकिन जैसे 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 तुम्हारे मन की शक्ति विसर्जित होती जाएगी विचारों की शक्ति विचार जैसे जैसे भीतर से विचारों के बादल निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे तुम्हारे भीतर अवकाश स्पष्ट हो जाएगा बहुत भीतर से निर्णय आएगा भीतर से बहुत अंदर से निर्णय तुम्हें आत्मा मार्गदर्शित करता है प्रतिपल लेकिन हमारे कान हम जो कहते हैं दिव्य श्रवण वो बाहर का श्रवण नहीं है पूरी अगर प्रक्रिया है तो वो है तुम्हारी जो शक्ति है वो किस तरह से अंतर्मुख की जाए? सके ताकि तुम भीतर का जो आत्मा की आवाज है आत्मा की आत्मा से आती है आत्मा से आता है मार्गदर्शन और एक अर्थ में गुरु स्वयं आत्मा या आत्मा स्वयं गुरु गुरु का जो रूप है गुरु कुछ नहीं मैं तुम्हें कहता हूं गुरु खाली लाउड स्पीकर है गुरु के मुख से आत्मा की आवाज प्रकट होती है इसलिए तुम्हें खींच जाती है और वो तुम्हारी ही आत्मा की आवाज है सबके आत्मा की आवाज है सत्य एक ही है तुमने जाना या मैंने जाना या किसी और ने जाना एक ही जाना कितने ही ढंग से हम अलग अलग शब्दों से उसे रंगे सत्य एक ही है लेकिन उसका स्वरूप ऐसा है अनंत स्वरूप सत्य का जो बहिर्मुखी स्वरूप है वो इस तरह का है कि तुम किसी भी दिशा से उसे उसका वर्णन कर सकते हो लेकिन सत्य एक ही है तो पूरे दिन की जो घटना है वो हाथ से जाने नहीं देनी है और ये जो तुम जहां काम कर रहे हो उसका तुम दृष्टिकोण समझो मेरा दृष्टिकोण समझो सम्झ, जीवन की हर छोटी मोटी बात हर व्यक्ति के साथ का व्यवहार मैंने एक स्कूल में आऊंगा उस स्कूल पर लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं द स्कूल ऑफ बिहेवियर साइंस कोई भी व्यक्ति किस तरह से वर्तणु करता है और वर्तन जब तक तुम जागोगे नहीं वर्तन तुम्हारा मशीन की तरह हो रहा है जो कल तुमने व्यवहार किया था वो आज करोगे जब तक तुम जागोगे नहीं तुम वही की वही फूल पुनरावर्तित करोगे वही की। कल भी हाथ से कप गिर गया था आज भी हाथ से कप गिर जाएगा परसों भी हाथ से कप गिर जाएगा इस तरह से हमारी छोटी मोटी हर एक प्रक्रिया में हम अजागरूक है क्या कर रहे हैं पता ही नहीं हाथ मेरा ऊपर उठ रहा है मुझे पता है मेरा ही हाथ फिर भी मुझे पता नहीं कि मेरा हाथ उठ गया उठ गया हाथ और पता भी नहीं क्या कहां जा रहे हैं क्या बातें कर रहे पूरा दिन तुम बाहर पढ़े हो बाहर पढ़े हो जब धक्का आता है तब तुम तुम्हारे भीतर जाते हो तब इतना भीतर तुमने भरा है कि तुम जा ही नहीं सकते तुम्हारे भीतर जगह है ही नहीं तो भीतर से भीतर तुम जाते हो तो भीतर के विचार बाहर की ओर धक्का देते और बाहर के व्यक्ति तुम्हें ऐसा उसका वर्तन ऐसा है कि तुम तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलती कि मैं जाऊं का और जो जाना है वो तुम ही तुम्हारे साथ हो और कोई नहीं खुद को इसलिए संवारना है शुद्ध करना है भीतर स्पेस बनानी है कि आत्मा रहे तो रहे कहां तो भीतर तो हर बनाव है जीवन के हर बनाव उस वो बनाव इसलिए है मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें पता चले कि तुम हो कहां तुम दस साल से अगर मेरे साथ रहते हो तो तुमने दस साल किया क्या वो छोटी मोटी घटनाएं तुम्हें दिखा देगी कि चलो थोड़ा सा कोई तुम्हें बोल गया या थोड़ा सा वर्तन कर गया ऐसा वैसा और तुम्हें हिला गया तो इतना ही समझो तुम्हारे भीतर अभी मन चल रहा है धारणाओं में हो कुछ तो उसने धारणा तोड़ दी तुम्हारी कि तुम नहीं हो देखो तुम खोए हुए हो तुम काम नहीं कर रहे हो ठीक से अपने को समझ नहीं रहे हो तुम अभी भी उसमें हो अभी भी तुम बाहर के जगत में भटक रहे हो गुरु के पास भी तुम बाहर हो तुम अंदर नहीं हो तुम अपने को शुद्ध नहीं कर रहे हो ठीक से तुम्हें हर प्रक्रिया में यह समझना है कि कितना धक्का आता है तुम्हारे भीतर किसी व्यक्ति से परिस्थिति से और द्वंद युद्ध की प्रक्रिया जितनी भी जिसकी शारीरिक क्षमता है जो प्रतिस्पर्धी के साथ प्रतिस्पर्धा हमारे भीतर है ही सूक्ष्म रूप से है ही जब तक मन है प्रतिस्पर्धा है तो तुम्हें द्वंद युद्ध की प्रक्रिया में स्पष्ट करते जाना है कि भीतर है प्रतिस्पर्धा का भाव कि नहीं है हार भाव है कि अगर एक चीज है तो सब है अगर तुम्हारे में एक चीज नहीं तो सब नहीं देखना ठीक से सब साथ में है प्रतिस्पर्धा नहीं तो मन ही नहीं तो उसके साथ होने वाले जो भी बात है अहंकार का टूटना है ही नहीं कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे तो युद्ध की प्रक्रिया पूरा लेबोरेटरी चेकिंग कि चलो मन किस तरह से काम कर रहा है तुम जब प्रक्रिया करोगे तब भी जो शारीरिक क्षमता है और जो अभी भी कर रहे तुम प्रक्रिया के दरमियान भी देख सकोगे कि भीतर से किस तरह से खाली शारीरिक बल नहीं मन का दर्शन कि तुम चलो प्रतिस्पर्धा में तुम काम भी कर रहे हो तुम उसके पेट में सर डाल के प्रक्रिया भी कर रहे हो ये शारीरिक प्रक्रिया हो रही इसके साथ मन का दर्शन भी कर सकते हो तुम कि मन के विचार किस तरह के चल रहे हैं भीतर कि इसे गिरा ही दो इसे ऐसा चल रहा है कुछ ऐसा चल रहा है क्योंकि ये होगा उसका कारण है कि खाली तुम नहीं अगर देखने वाले दो और है तो उसका मन भी तुम्हें असर करेगा उसकी भावनाएं ये सारा तुम समझ सकोगे <clears throat> मैं जो मैं तुम्हारे लिए एक स्थान बना रहा हूं द्वंद युद्ध प्रागट्य स्थानम उसका एक विज्ञान है कि उस स्थान पर आप काम करते जाओ करते जाओ जब तुम मेरे पास ही हो और यहां काम ही कर रहे हो द्वंद युद्ध की प्रक्रिया में तो उस स्थान का उपयोग करो उसका अपना विज्ञान है तुम उस स्थान पर रोज प्रक्रिया करो प्रक्रिया करो तुम गहराई में जाओगे और जिसकी शारीरिक क्षमता है वो तो छोड़े ही नहीं वो तो जितनी शारीरिक क्षमता है कम से कम एक बार जितनी प्रक्रिया जितनी शारीरिक क्षमता एक बार निकल जाए क्योंकि मैंने सारी सारे व्यायाम करके देखे लेकिन जो प्रतिस्पर्धी के साथ जो लाइव वर्किंग है और उसका जो परिणाम है जितना जीवंत काम है शरीर का मन का आत्मिक शक्ति का एक एक ही व्यक्ति बहुत है एक व्यक्ति उसके साथ का जो जीवंत काम है उसमें जो शरीर की शक्ति निखरती है प्रकट होती है वो और व्यायाम में नहीं होती आप ये मैं कह देता हूं इसलिए मानने की जरूरत नहीं आप स्वयं ये प्रक्रिया करके देखे कि यह बात सच है कि नहीं है। और अगर तुम कुछ और भी कर रहे हो और भी कर रहे हो इवन नृत्य नृत्य कर रहे हो तो भी तुम युद्ध प्रक्रिया में रस लो क्योंकि मेरा स्वयं का अनुभव है कि ये जो प्रक्रिया है वो इतनी मदद रूप है कि तुम्हारे भीतर का जो मन है प्रतिस्पर्धा है उसको समझने के लिए और उसको निखारने के लिए भीतर का जो अवकाश है उसे निखारने के लिए और भीतर का जो मन है उसे विलीन करने के लिए यह प्रक्रिया बहुत उत्तम है एक प्रतिस्पर्धी से काम चल जाएगा एक ही प्रतिस्पर्धी को अगर तुम ठीक से लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा तुम पूरा मन समझ जाओगे कि अभी भीतर क्या, क्या 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 चल रहा है कितनी स्पर्धा है भीतर जीतने का कितना भाव है भीतर <coughs> जो आज तक तुम जीवन जीकर आए हो उसमें जहां जहां जीतने का भाव था और तुम्हारे भीतर तुम्हें हार मिली तुम जीत न पाए और भीतर दब गई वो हार तुम सप्रेस हो गए भीतर से सारा सप्रेशन खोल देगा सारा सप्रेशन तुम्हारे भीतर भय है कॉम्प्लेक्स है सारा का सारा कॉम्प्लेक्स खोल देगा क्योंकि मन मन का अर्थ मन की रचना इस तरह से मन का अर्थ है बाहर से कुछ प्राप्त करने की इच्छा कुछ चाहिए जो है उसमें मैं राज़ ही नहीं अगर मन को तल से समझा जाए तो यह मन कि जो है अभी उसमें मैं मैं राज़ ही नहीं हूं मुझे अभी कुछ और चाहिए तो यह मन और जैसा तुम बाहर से प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे कुछ भी तो अगर तुम बाहर से कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे उसके साथ ही मन अकेला नहीं रह सकता उसका दूसरा छोर कि कहीं जो मैंने प्राप्त किया है वो खो न जाए भय शुरू हो जाएगा तुम्हारे भीतर ये मन मन का अर्थ है कुछ प्राप्त करने की इच्छा एक इच्छा और उसके साथ भय दोनों साथ चलते अपेक्षा और भय दोनों साथ चलते डिजायर एंड फियर हमेशा साथ अगर तुम इच्छा को प्राप्ति की इच्छा को तुम छाती कहो तो भय उसकी पीठ और इच्छा को अगर तुम पीठ कहो तो छाती भय वो दोनों साथ में ही चलेंगे तो तुम्हारे भीतर जो भी भय का प्रकार और भय कैसी चीज है मन ठहरने के लिए कोई ना कोई जगह खोज ही लेगा कोई ना कोई जगह खोज लेगा मन ऐसी चीज है समझ लो कि कई बार मैंने ऐसे लोग देखे कि जब मैं क्लासरूम टीचिंग करता था लड़कों के तो कई लड़कों की जो माताएं थी वो नर्स थी तो वो मुझे बताती थी कि ऐसी जगह में वो लोग काम करते थे रात को नाइट ड्यूटी थी तो ऐसी जगह में काम करते थे कि जो जगह कहते हैं कि वहां भूत प्रेत होते हैं और हॉस्पिटल का वातावरण वातावरण होता है वैसे भी डल होता है ऐसे अनुभव होते थे बुझ की मैं एक बात कहूं तो एक महिला मेरे पास आती थी वो नर्स थी वो कहती थी कि ऐसे अनुभव सर्जनों को होते थे या जो नीचे बैठे हैं और एक नहीं अनेक लोगों को ये इस तरह के अनुभव होते कि एक ऊपर का रूम था तो लोग नीचे बैठे हैं समझ लो कोई डॉक्टर है नर्स है पेशेंट के रिलेटिव है वो नीचे बैठे ऐसा लग रहा है ऊपर कुछ काम चल रहा है कोई बात कर रहा है कोई है नहीं ऊपर ऊपर का मजला पूरा खाली है लेकिन ऐसा हो रहा है कि कोई ऑपरेशन और ऐसा होता है ये कोई ऐसे नहीं ये घटना घट गट सकती है ऐसा हो सकता है ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई ऑपरेशन चल रहा है बात कर रहा है ऐसा हो रहा है अब इसमें वो महिला अकेली काम करती थी सब सब कहते थे कि आपको डर नहीं लगता? ऐसी, ऐसी जगह में काम करना, कोई रात को जा भी नहीं सकता था और वो महिला जो नर्स थी वो जाके वो खुद बताती थी, थी कि सब डरते थे इवन पुरुष डॉक्टर भी नहीं जाते थे ऊपर जाते थे तो किसी ना किसी को साथ में लेकर जाते थे और वो रात को अकेले घंटों तक काम करती थी अपना रजिस्टर भरना ये वो काम करना लेकिन ऐसा नहीं मैं ये देखता था अलग अलग व्यक्तियों को जब मिलता था उसके साथ रहता था तो मैं ये देखता था कि किस किस तरह के भय होते क्योंकि मैंने अपने भी भय जाने थे कि किस तरह के भय होते है तो मैं ये देखता था कि ये महिला कितनी बलवान है या निर्भय है कि उसे कोई भय नहीं भूत का लेकिन समझ लो कि उसकी लड़की है वो किसी लड़के के प्रेम में पड़ गई है तो तुरंत उसे डर शुरू हो जाता है कि समाज में क्या लगेगा मेरा कि मैंने क्या तो वो जब बात करती थी तो मुझे तुरंत वो पता चलता था कि हां इस तरह से मन काम करता है कि देखो वो भय नहीं है भूत प्रेत का भय नहीं है लेकिन लड़की का भय आ गया कि लड़की अगर इस लड़के के साथ शादी कर लेगी तो समाज में हमारा क्या रहेगा और इसके लिए इतनी चिंता इतना भय कि अगर ठीक से मार्गदर्शन न मिले तो आलप्रोक्ष शुरू हो जाए साइकेट्रिक्स की ट्रीटमेंट शुरू हो जाए इतना भय का कंपन शुरू जो हो जाता है तो भय कहां कहां हमारा यह देखना है कि हमारा लगाव जो जीवन की घटना है उसमें यही देखते जाना है छोटी मोटी घटना है उसमें यही देखते जाना है जो मैंने किया था समझ लो कि एक रिक्शा में बैठकर मैं लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं मैं मेरे जीवन की घटना को कि मैंने सदा ऐसा ही किया उसने पांच मांगा मैंने दस दिया लेकिन मैं भीतर फिर भी देखता था कि मैं बार से चलो पांच का दस हिम्मत करके दे भी सकता हूं लेकिन भीतर भाव चल रहा है कि उसने पांच नहीं या ढाई रुपया होना चाहिए इस जगह पर पहुंचने का ढाई रुपया होना चाहिए और उसने मुझसे पांच लिया ऐसा हो रहा है तुम झगड़ा भी करो ऐसा मैं नहीं कहता कि तुम झगड़ा तुम भावताल करो जरूर करो लेकिन भीतर यह बात भी समझ लो कि अभी पैसे से लगाव है और मैंने वो भी देखा कि जब तुम छूट गए तुम्हारे भीतर ना रहा कोई लगाव ना रहा तो फिर वो सोना हो रुपया हो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी चीज वस्तुए है कुछ फर्क नहीं पड़ता भीतर कोई फर्क नहीं कुछ नहीं होता कि इस्ते मेरी ये चीज ये तो कितनी महंगी थी ये कितनी रेयर थी इस्ते मेरी तोड़ दी कुछ नहीं भीतर कुछ नहीं होता एक तल पर कुछ नहीं होता समझ लो कि आप कुछ प्रक्रिया करने के लिए बाहर आते हो तो कुछ मन बन जाता है और, और व्यक्तियों की तरंगे भी तुम्हें असर करती है उसके नीचे तुम्हारे आ जाते हैं तुम्हारी विद्युत आ जाती है उसके साथ जब तुम काम करते हो तो उसकी विद्युत आ जाती है लेकिन तुमने अगर भीतर एक स्पेस जानी है वहां तक तुम पहुंच गए फिर से वहां तक तुम पहुंच गए तुम्हें असर नहीं हो सकती और यह तुम्हारे पर है कि तुमने भीतर कितनी स्पेस बनाई है यह तुम्हारे पर तो अब मार्ग क्या है इसका मार्ग क्या है तो मार्ग यह है कि कोई एक व्यक्ति तुम्हारे साथ मिसबिहेव करता है तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तुम पूरा का पूरा उसका जो जहर है तुम्हें जो जहर लगता है कि इसका मुझे ठीक नहीं लग रहा है वर्तन तुम उसको तुम जेलना शुरू करो कि चलो तुम कितना जेल सकते हो और देखो मैं जेलने की एक बात कहता हूं जेलने का अर्थ रिवेंज का भाव नहीं भीतर से समझ लो कि मेरे भीतर से कोई एक व्यक्ति मुझे आकर गाली दे रहा है अब मुझे यह देखना है मेरे मेरे मुख से गाली निकलती है या निकल नहीं निकलती वो बात की बात है लेकिन मुझे यह देखना है कि मेरे भीतर से आ रहा है प्रतिकार आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं उसे अगर सुन रहा हूं उसकी गाली सुन रहा हूं सुन रहा हूं सुन रहा तो मेरे भीतर से प्रतिकार आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके प्रति ये ये मुख्य बात है मैंने उसे गाली दी या न दी ये सेकेंडरी बात है दूसरे नंबर की बात है दूसरा क्रमांक पर आएगी वो बात लेकिन पहला जो निरीक्षण है जो जागृति की ओर जा रहे हैं अंतर जगत समझने की ओर जा रहे हैं, सत्य की दिशा में जा रहे हैं तपस्वी है, तपस्या कर रहे हैं तो उसे जीवन की घटना छोड़नी नहीं है उसे देखना है कि मेरे भीतर से आ रहा है प्रतिकार उसके लिए फरियाद आ रही है, अगर फरियाद आ रही है तो अभी मेरे भीतर उसके लिए एक मन बना भीतर से मेरी एक धारणा है अभी कि इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए धारणा है मेरे भीतर इसका मन इस मन की शक्ति है वो मेरे भीतर जगती है जब कोई आके मुझे गाली देता है तो होता क्या है मेरे भीतर एक धारणा है वो तोड़ता है वो और कुछ नहीं होता मेरे भीतर पहले तो गाली मेरे भीतर है उसने नहीं दी चलो मैं ऐसा कहता हूं उसने गाली दी और मुझे गाली सुनाई दी उसका अर्थ है कि मेरे भीतर अभी गाली है उस फ्रीक्वेंसी की जिस फ्रीक्वेंसी उसने मुझे गाली दी है उस फ्रीक्वेंसी की गाली मेरे भीतर है अगर वो गाली तुम्हारे भीतर नहीं तुम अर्थगठन ही नहीं करोगे कि ये गाली है अर्थगटन होगा ही नहीं अगर तुम तुम्हारे भीतर स्पेस हो गई है तो अर्थ हो होगा और अर्थगत हो रहा है तो उसका इतना ही अर्थ है कि भीतर भीतर गाली गाली है है अभी मेरे गाली है कि वो मुझे गाली दे रहा है उसका अर्थगठन हो रहा है उसकी धारणा है मेरे भीतर कि इसे गाली कही जाती है उससे ऐसा मेरे साथ वर्तन नहीं करना चाहिए ये धारणा है वो तोड़ रहा है ये धारणा तो मेरे भीतर से जब वो धारणा टूटती है तो उसकी शक्ति छूटती है जब तुम्हारी धारणा टूटती है बहुत सूक्ष्म है ये सूक्ष्म विद्युत है भीतर की दिखती नहीं लेकिन है बहुत बड़ा उसका बहुत बड़ा असर है तुम्हें दिखता नहीं लेकिन है जब तुम्हें कोई गाली देता है तुम्हें पता चलेगा मेरी ये बात कि कितनी बड़ी चीज है शरीर कुछ भी नहीं उसके आगे लेकिन वो सूक्ष्म धारणा है वो सूक्ष्म धारणा टूटती है टूटती है तो उसकी शक्ति प्रचंड शक्ति पैदा होती है तुम्हारे भीतर से तो वो जो शक्ति पैदा होती है वो इतनी होती है कि अगर तुम्हारे भीतर ठीक से स्पेस नहीं बनी तुम अपने भीतर की आत्मा को अभी खोज नहीं सके बना नहीं सके स्पेस बना नहीं सके अभी तुम विचार चल रहे विचारों में खोए 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 हो तो वो शक्ति और विचारों को धक्का मारेगी और पूरी शक्ति अगर भीतर वो न गई भीतर के जो सूक्ष्म शरीर है वो उसे एब्जॉर्ब न कर सके संभाल न सके उस शक्ति को संतुलित न कर सके तो वो शक्ति शक्ति तो सकती है। वो अपना रूप लेगी ही अगर आप जागृत हो तो वो पीछे चली जाएगी वो जागृत की ओर चली जाएगी तुम्हारी दृष्टा जो शक्ति है उसकी ओर बह जाएगी अगर अगर पैदा भी हुआ क्रोध पैदा भी हुआ और तुम संभल गए तो उसका अर्थ है वो शक्ति चली जाएगी दृष्टा शक्ति की ओर और अगर तुम्हारे भीतर स्पेस नहीं है तो वो बाहर चली जाएगी क्रोध से क्रोध से बाहर जाएगी वो प्रतिकार के रूप में बाहर जाएगी कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए वो गाली दे रहा है तुम तमाचा मार दोगे उसे तो प्रक्रिया इतनी हो रही है कि भीतर जो शक्ति बनी एक धारणा टूटी वो एटॉमिक रिएक्शन जैसा है कि एटम लगता है इतना छोटा है लेकिन शक्ति प्रचंड पूरी दुनिया जला दे ऐसी शक्ति होती है तो धारणा भी ऐसी है, एटॉमिक रिएक्शन से कोई कम नहीं हमारा जो मन है एटॉमिक रिएक्टर्स कुछ भी नहीं उसके आगे इतनी प्रचंड ताकत है तुम्हारे भीतर तो उसका उपयोग ठीक ना किया गया रचनात्मक दिशा में उसका उपयोग न कर दिया गया तो वो शक्ति तुम्हें ही जला देगी औरों की तो बात औरों को तुम कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते हां जब तक तुम नहीं समझते हो ये बात ठीक से तब तक तुम्हें लगता है कि औरों को नुकसान हुआ लेकिन कुछ नुकसान नहीं हो सकता तुम सबसे पहले अपने को नुकसान करोगे अगर तुम्हारे भीतर क्रोध आ रहा है तुम ऐसा मत समझना कि बाहर के कोई व्यक्ति को तुम नुकसान पहुंचाओगे तुम अपने को जलाओगे तुम खुद जल जाओगे तुम्हारे भीतर कुछ है देखो जल रहा है तुम इम्बेलेंस हो जाओगे तुम्हारी शक्ति इतर वितर हो जाएगी इधर पूरी क्षण नष्ट हो जाएगी जो जीवन जीने की क्षण थी जो वर्तमान था तुम्हारे हाथ में तुमने खो दिया तो प्रत्येक प्रक्रिया में देखना है वो ये देखना है कि भीतर स्पेस बनी कि नहीं बनी नहीं बनी है तो साधक को यह समझना है यहां के जो विद्यार्थी है उसे यह समझना है कि अभी मुझे काम करना है मेरे ऊपर ठीक से काम करना है आप ऐसा समझो कि आज के दिन की जो भी प्रक्र... जो भी आप प्रक्रिया कर रहे हो उसके साथ जुड़े हुए व्यक्ति और परिस्थिति तुम्हारी कसोटी पर डे एवरी डे एक्सरसाइज तुम्हारी करो ठीक से तुम अगर आज का दिन ठीक से पार किया मुझे ऐसा चाहिए कि तुम प्रतिपल मुक्ति का अनुभव लो प्रतिपल मुक्ति ऐसी चीज है कि वो कोई कोई चीज नहीं कि चलो तुम मार्केट में गए और तुमने रुपया दिया और तुम खरीद कर लाए ऐसी कोई चीज नहीं मुक्ति मुक्ति पर तुम्हें प्रतिपल काम करना होगा तुम्हें मुक्ति इकट्ठी करनी जानी पड़ेगी कि चलो इस दिन में और तुम्हें भीतर से सर्टिफिकेट आएगा कि तुम मुक्त तुम्हें कुछ न हुआ इस तरह ऐसा कहा तुम्हें कुछ न हुआ इसने ऐसा मेरे साथ वर्तन किया तुमने कुछ न हुआ यह देखते जाना है और यह बहुत अद्भुत कला है अद्भुत सच में कला ये सीखनी है कि जीवन के जो बनाव है उसमें तुम किस तरह से काम कर रहे हो किस व्यक्ति के साथ तुम किस तरह से काम करते हो जैसे कि तुम जब गाड़ी सीखते हो तुम ट्रैफिक में जाते हो तो तुम्हें पता होता है कि यह साइकिल चला रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है और तुम्हारी गाड़ी को छू सकती है या नहीं छू सकती या तुम्हारी गाड़ी उसको छू सकती है नहीं छू सकती गाड़ी है तो उसको ये गाड़ी है तो उसको जाने के लिए कितनी स्पेस चाहिए कितना मार्ग देना पड़ेगा ये गाड़ी मेरे पास से निकलेगी तो उसे कितना मार्ग देना पड़ेगा कितना मुझे हटना पड़ेगा तुम जो गाड़ी चला रहे हो उसकी स्पीड किस तरह से मेंटेन करनी ये स, जब तुम गाड़ी का मैकेनिज्म जानते हो तो ये सब जानते हो इसी तरह से जीवन की घटनाओं में जानना है सारी व्यक्तियों के बीच जब तुम रहते हो संघ का जो उपयोग है जो करना चाहते हैं संघ का जो विज्ञान है वो ये विज्ञान है कि तुम अगर पचास लोगों के बीच जीते हो तो पचास लोगों का उन पचास लोग तुम्हारे आसपास है सबका नेचर अलग है सबकी काम करने की जो रीत है अलग है ढंग है अलग है समझने का ढंग है अलग है और सबका अपना है बहुत मजा है गलू के पास जाकर वो संगीत में इतना डूबा हुआ होता है मैं कहता हूं समुद्र की आवाज कर वो नहीं करता मैं कहता हूं समुद्र चाहिए मुझे चंद्रकांश में तुमने देखा होगा मुझे मुंह से करना पड़ा समूह से लेकिन मुझे मजा आता वो डूबा है अपने में खोज रहा है और कुछ चंद्रकोस से ऊपर का राग भी खोज सकता है तो सबका आपका अपनी रीत है काम करने की अपनी रीत होती है जब देखो आप नया कोई व्यक्ति आता है तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह से वो वर्तन करता है हम स्कूल ऑफ बिहेवियर साइंस में तो पूरा डिटेल से जाएंगे अभी हम काम कर रहे हैं द्वंद्व युद्ध पर लेकिन हर एक व्यक्ति का अपना ढंग है काम करने का अपना ढंग है वर्तन करने का अपना ढंग है और समझो कोई व्यक्ति को तुम्हें दुख पहुंचाने की इच्छा नहीं है भीतर से उसका कारण है कि कोई व्यक्ति भीतर से दुखी होना नहीं चाहता है लेकिन अगर वो तुम्हें दुख पहुंचा रहा है तो वो तो बाद में हो रहा है पहले वो खुद दुखी है कोई सुखी व्यक्ति दूसरी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचा सकता जो खुद स्वयं शांति में है वो औरों को अशांति दे ही नहीं सकता कोई अगर तुम्हें अशांत कर जा रहा है तो एक तो अशांति तुम्हारे भीतर तो है ही उस पर मत छोड़ना कि वो अशांत है पहले तो तुम समझो कि तुम अशांत हो लेकिन अगर वो तुम्हें दुख दे रहा है अशांति दे रहा है समझ नहीं रहा है तो तुम समझो कि वो किस तरह से काम कर रहा है उसका व्यक्तित्व किस तरह से काम कर रहा है तुम निखरोगे तुम अगर डगे डगे रहे तुम उस पर टालते रहे ये ये कर रहा है ये वो कर रही है ये कर तुम नहीं सीखोगे जो मैं दृष्टिकोण तुम्हें देना चाहता हूं तुम नहीं समझ रहे हो तुम चुक रहे हो यह स्थान और मुझे चुक रहे हो और अगर तुमने ये कला समझ ली कि ये व्यक्ति इस तरह से काम करता है और मैं कहता हूं कि इसमें छोटा बड़ा जैसा कुछ नहीं होता मैं देखता हूं मैंने बबलू के साथ कितनी बार मैं ये व्यवहार अगर और कोई व्यक्ति के साथ करूं वो व्यक्ति मेरा मुंह देखने के लिए राजी नहीं वो आए ही नहीं मेरे पास दूसरी बार वो कभी मेरा मैं इतना लड़का उसका मैं संतुलन देखूं कि मैंने उससे ऐसा डांटा है ऐसा डांटा है कि दूसरी क्षण में वो देख रहा हूं कि वो मेरा जो काम है वो किस तरह से करता है मैं देखता हूं उसके काम में कोई मेरे प्रति द्वेष नहीं है कि रूम साफ कर रहा है तो ऐसा नहीं कि आज उसका मूड खराब है तो उसने जैसा तैसा करके रख दिया ना एकदम संतुलन कि ना अगर कपड़ा धोना है तो ऐसा उसकी तबीयत अच्छी नहीं है तो भी वो आएगा मेरे पास अगर मैं ले रहा हूं कपड़ा तो वो मुझे कहता है कि ना तुम निकल जाओ मैं खुद कर लूंगा ये कपड़ा हर बार मैंने देखा हर बार कि इतना छोटा लड़का मुझसे आधी उम्र से भी उसकी उम्र कम है फिर भी उसकी जो जजमेंट लेने की जो संतुलन प्राप्त करने की जो शक्ति है अद्भुत शक्ति मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कोई एक व्यक्ति का उदाहरण देके उससे और ऊपर ले जाने की मेरी कोशिश है उससे और वो आगे जा सकती है उसकी शक्ति अभी आगे ऊपर की ओर और, और मदद भी कर सकती है और एक व्यक्ति का उदाहरण अनेक को काम आ सकता है कि ऐसी स्वस्थता चाहिए कि मेरे में अभी ऐसा है कि अभी कुछ चार शब्द और कह दू उसे ऐसा मेरे भीतर चल रहा है कि अभी मुझे चार शब्द और कहना है कि मैं देख रहा हूं कि अभी मुझे कुछ कहना है उससे अभी कहना है कि इसका यह वर्तन ठीक नहीं था ऐसा कहना है अभी उसे और वो भी कह दूं अगर फिर भी मैं देखता हूं कि ना उसके वर्तन में कोई फर्क न हुआ ऐसा जजमेंट वर्तन में फर्क न हुआ का अर्थ यह नहीं कि हम नहीं सुधरेंगे हमने हम अंग्रेज के जमाने के पुलिस और पुलिस की तो बात छोड़ो हम अंग्रेज के जमाने के गुरु है सन्यासी है अंग्रेज के जमाने के हम थोड़ा सुधरेंगे लेकिन मैं वो कहता हूं कि उसके काम पर उसके असंतुलित हुआ भी हो भीतर से असंतुलित हो जाता है जब तुम्हारे सामने कोई आके तुम्हें खखड़ आता है खखड़ा है तो तुम्हारे भीतर अगर थोड़ा सा भी मन है और मन के ऊपर हो तो तुम भी डोलोगे इतना ही समझना है कोई आके अगर तुम्हारे साथ मिसबिहेवियर करता है और तुम डोलते हो उसका अर्थ है कि तुम मन पर खड़े हो अभी मन पर तुम स्पेस में नहीं गए तुम्हें स्पेस में किस तरह से जाना है वो अभी तुमने कला जानी नहीं तो अभी तुम धारणाओं में हो विचारों में वो तुम्हें हिलाते तुम्हें उसका वो देखो डांटता तो हूं लेकिन उससे पहले भी प्री प्लानिंग होता है मेरा कि कहां पर डांटना है तुम्हें भी डांटता तो ऐसा मत समझना कि आज ही गुस्सा आया और मैंने तुम्हें आज ही बगासा के लिए कहा ना मैंने बगासा के लिए कहने के लिए महीनों रा देखिए महीनो तुम जरा देखना जो जो मेरे साथ काम कर रहे आज तक मैंने कभी कहा कि किस तरह से तुम्हें बैठना है आज जो मैं बात कर रहा हूं वो आज तक कभी की जब तक मैंने ये <coughs> भाषणबाजी चालू की तब से मैं कह रहा हूं लेकिन उससे पहले मैं देखता था और देखो मैं मैं ऐसा देखता है अगर मैं बगासे के लिए कह रहा हूं तो वो खाली मेरे लिए नहीं कह रहा ऐसा हो सकता है कि एक और किस तरह से बगा से खाते वो भी तुम्हें कहो कि किस तरह से बगा एक खाया मेरे सामने ठीक है चलो खा लिया मैंने और यहां मैं तुम्हारा केंद्र हूं तुम बगासा डालोगे मेरा शरीर खींचेगा बगासा तुम्हारी सारी नकारात्मक शक्ति मेरा शरीर खींचेगा समझ लो तुम्हारा दूसरा खाए वो भी खींच लिया तीसरा अब खाते ही जाते खाते ही जाते अब मेरे लिए लिमिटेशन आ जाता है शरीर का अब दो घटना हो सकती है या उसे मैं निकाल दो आप फ्रेश फ्रेशो कराओ या मुझे ये शरीर छोड़ ये, मुझे यह स्थान छोड़ देना पड़ता है क्योंकि शरीर इतना अकड़ जाता है मेरे भीतर से आवाज नहीं आ सकती जो अगर शरीर के कुछ स्नायु मेरे, मेरे भीतर अकड़ गए तो मेरे भीतर से आवाज नहीं आ सकती या मैं तुम्हें जो प्रक्रिया करवाना चाहता हूं नहीं हो सकता और तुम ऐसा नहीं तुम अगर बगासा खा रहे हो तुम जरा समझो उसका अर्थ है कि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है फ्रेश नहीं है तो उसकी तरंग तुम्हारे आसपास बैठे हुए व्यक्तियों पर हो सकती हमें अगर मुझे मेरी परवाह नहीं है लेकिन मुझे मेरे पास जो है उसका तो मुझे ख्याल करना है कि वो, वो अगर ठीक से सुन रहे हैं किसी को सुन रहे हैं तो उसे तो मैं सुनने दू मेरे बगासा ना तो मुझे सुनने देते हैं ना इसे सुनने देते तो फिर मुझे कहना शुरू पड़ करण कहना पड़ा मुझे कि ना अब कहना पड़ेगा और मैं तुम्हें कहूं कि मैं एक दिन में कहता ही नहीं मैं पहले देखता हूं मैं ये देखता हूं कि मेरे भीतर से जो तुम्हारे लिए विधायात्मक भावना है तुम्हारा जीवन ऊपर उठाने की भावना है मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं तुम पकड़ रहे हो ऐसे ही पकड़ सकते हो तुम्हें मैं क्या देना चाहता हूं ऐसे ही पकड़ सकते हो मैं वो राह देखता हूं कि तुम अगर पकड़ रहे हो तो मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता मैंने बहुत व्यक्तियों में देखा बहुत व्यक्तियों में यहां भी कि मैं कुछ करवाना चाहता हूं अपने आप अप शुरू हो जाता है वो व्यक्ति कर देता है मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता उसको लेकिन जब मुझे लगता है कि नहीं तुम्हारे और मेरे भीतर तुम्हारा मन आ रहा है बिन जरूरी शक्ति आ रही है तुम्हारे और मेरे भीतर और वो ऐसी शक्ति है वो तुम्हें कोई फायदा रूप है ही नहीं तुम्हें ऊपर उठा नहीं रहे तुम्हारा जीवन बोझिल कर रही है मैं उसका दुश्मन हूं मैं उसे तोड़ता हूं तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारे साथ मेरा सदा से प्रेम है सदा प्रेम रहेगा लेकिन भीतर जो ऐसी शक्ति आ जाती है कि जो ना तो तुम्हारा जीवन उठने देती है ना किसी को मदद रूप है वो पर्दा में तोड़ रहा हूं अगर मैं ओ ब को, कोई भी नाम अगर मैं अलका को कह रहा हूं खंजरी को कह रहा हूं चक्का को कह रहा हूं बबलू को कह रहा हूं भिखला को कह रहा हूं या मेरे प्रिय अति प्रिय बिहारी को कह रहा हूं अ ड वाह आज बिहारी हंसा सब देख लो चेहरा हसा हसा, हसा। ओ नाम है किसे भी कह रहा हूं। ये मन है मन मैं मन को तोड़ रहा हूं तुम्हारी धारणा को तोड़ रहा हूं तुम्हारी सुस्तता है उससे मैं तोड़ रहा हूं तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं तुम अटक गए हो तुम्हारी सुस्ती में तुम अटके हो और तुम्हारा उसे तुम जब अलका मुझे फरियाद कर रही थी खंजरी के बारे में परसों तो मैं मैंने उसे प्रोत्साहन नहीं दिया और मैं देता भी नहीं मैं कभी मैंने दी ही नहीं मैं जब छोटा था तब से कोई भी फरियाद क्योंकि मैंने मेरे जीवन पर काम ही यही किया है कि कोई व्यक्ति और परिस्थिति जिम्मेवार है ही नहीं मैं तुम्हें कह देता हूं चलो कोई व्यक्ति परिस्थिति जिम्मेवार नहीं तुम स्वयं और अगर मैं प्रोत्साहन दू तो बस खंजरी खराब और मैं अच्छी चलो कल खंजरी निकल जाएगी मैं गुरु का काम था कि मैं तुम्हें मज, मजबूत कर दू मैं तुम्हें ऐसा तैयार कर कि खंजरी को तुम पार कर जाओ ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं खाली दोनों का उदाहरण दे रहा हूं ऐसी जो घटना होती है अगर मैं प्रोत्साहन दू अलका को कि ना ठीक है मैं खंजरी को बुला के उसे डांटू, वो भी कर सकता हूं मैंने खंजरी को भी कल डांटा लेक्चर में खंजरी के मन को खंजरी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं <coughs> क्योंकि वो पूरा पेंशन दे देती है मुझे तो क्यों ये बात नहीं कहनी थी मोटो में यहां है ठीक है अलका भी पूरा पेंशन खंजरी भी पूरा पेंशन देती है अलका भी पूरा पेंशन देती है तो मुझे लगता है कि क्यों झगड़ रहे तो फिर मुझे पता चलता है कि बंदर के कारण झगड़ा हो रहा है दो बिलाड़ी बाजती है तब बंदर फा जाता है दोनों का पेंशन खा जाता है तो अगर मैं उसे प्रोत्साहन दूं कि हां खंजरी ये कर वो ठीक कर रही तो वो निविक हो जाएगी ना आपने अलका को देखा होगा पहले तो मैं खाली अलका को थोड़ा सा कम वो चाय बनाए कराए और मैं कहूं अलका चाय ठीक नहीं है तुरंत उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू होता है चकली को नवाई लगती कि क्षण क्षण में क्यों रोती है और अलका का भाव चक्र सक्रिय है क्योंकि हृदय नबड़ा तो भाव चक्र सक्रिय और चकली का एक ही फेफड़ा है लेकिन भाव चक्र है ही नहीं और हृदय चक्र बहुत मजबूत अब चकला उससे अपेक्षा करे कि एक पत्नी को पति के साथ कैसे बर्ताव करना <laughs> गलत रास्ते पर निकल मैं समझा रहा था द्वंद युद्ध द्वंद का अर्थ है दो प्रतिस्पर्धा और उसकी जो आगे की आगे का स्टेप है जैसे कल मैंने किया मैंने जो वर्णन किया वो भी वो ऐसा स्टेप था कि जिसमें दो हाथ तुमको प्रतिस्पर्धी के हाथ में रखकर उससे उसकी दिशा में ले जाना है और वो ट्राई करेगा मुझे मेरी दिशा में ले जाने का इस तरह की स्पर्धा जिसमें तुम्हारे बैक मसल्स तैयार होते हैं ये फिजिकल रूप से बहुत अंदर देखा जाए तो सिंक्रोनाइजेशन की प्रक्रिया हो सकती है यह शब्द शायद इंग्लिश की गलत भी हो सकता है लेकिन सुमेढ़ उसका अगर ठीक अर्थ करूं तो भीतर के जितने शक्ति स्थान है उसमें से जो शक्ति प्रकट हो रही है उसे ठीक से एकाग्र उसे ठीक से उसका बैलेंस किया जाए और अंदरों अंदर उसकी मित्रता पैदा की जा सके लय पैदा की जा सके जिस तरह से शाम का प्रयोग है कि हम चार है चार कई क्षण ऐसी आती है मैं नया ही रूप दे रहा हूं संगीत को आध्यात्मिक संगीत है उसको एक रूप दे रहा हूं कि चलो मैं सबको छूट दे रहा हूं कि उज्जवल अपनी ओर से गाय चका बापा अपनी ओर से मैं अपनी ओर से गलू अपनी ओर से कोई तुमने देखा होगा कि मैं उससे आकर वहीं कहता हूं कि आज ये रचना गानी है इस तरह से ये प्रार्थना का विज्ञान है ये भी विज्ञान है और सब अपनी ओर से गाते और तुम जरा देखना कि जहां चारों की भीतर की एक फ्रीक्वेंसी भीतर की शक्ति एक हो जाती है तुम्हें लगता है चार चार मुख चार मुख गा रहे मैं कहता हूं एक ही है तुम ठीक से देखो जहां पर सब एक हो जाते हैं तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा देखना कुछ अलौकिक अनुभव होगा देखना जब तुम्हें लगे तुम्हारा हृदय कुछ ऐसी शक्ति को चुए तुम समझो कि चारों की शक्ति एक हो रही है एक एक फ्रीक्वेंसी पर जा रही है चारों की शक्ति और चारों की शक्ति एक फ्रीक्वेंसी पर न गई तो तो गोंगाट लगेगा तुम्हें संगीत गोंगाट लगेगा नहीं तो संगीत लगेगा लय उसका माधुर्य कुछ अलग ही होगा। इस तरह से भीतर की स्थानों का, जब होता है प्रकट होती हुई शक्ति नाभि चक्र से पैदा होती हुई शक्ति कंठ चक्र से पैदा होती हुई शक्ति मूलाधार की शक्ति उसका दिया उसका प्रकाश ये सब जब ठीक से एक दूसरे के साथ जुड़ते है ये शक्ति ठीक से जुड़ती है और उसको ठीक से मार्ग मिलता है दिशा मिलती है काम करने की भीतर ठीक से बहने की दिशा मिलती है तुम्हें आनंद आता है ये इसकी निशानी प्रसन्नता लगती है विधायत्मक भाव तुम्हारे भीतर कि तुम स्पेस का अनुभव हो अच्छा लगने लगे फ्रेशनेस लगने लगे तो तुम समझो कि भीतर के जितने शक्ति स्थान है वो उसकी शक्ति एक दूसरे के साथ ठीक से काम कर रही है फ्रेंडशिप चल रही है चक्रों के बीच शक्ति की ऐसी दूसरी प्रक्रिया है जिस तरह से आगे की पांचवी प्रक्रिया ऐसी है द्वंद युद्ध में जिसमें तुम दो पंजों से काम कर रहे हैं दो पंजों से अब छठी प्रक्रिया है वो इस तरह की है जिसमें तुम्हें प्रतिस्पर्धी के साथ बैक लेनी है बैक पूरा पीठ दोनों प्रतिस्पर्धी की पीठ आएगी और तुम पीठ से जोर करोगे तुम देखना कि ये प्रक्रिया तुमने कभी की नहीं होगी अगर तुमने ठीक से तुम ठीक से समझोगे द्वंद युद्ध की प्रक्रियाओं को तब तो तुम्हें पता चलेगा कि शरीर तुमने इस तरह से यूज नहीं किया और मैं जो दे रहा हूं वो पूरे जितने भी मैंने अभ्यास किया जितनी मार्शल आर्ट की जितनी जितनी प्रक्रियाओं का अभ्यास किया उसमें से मैंने खाली और मैंने नहीं किया ये एबीसीडी आई गई कि इतनी जरूरी है प्रक्रिया इसको प्रकट कर देना जरूरी है ये जगत में और जो भीतर का प्रतिस्पर्धा का भाव है हिंसा का भाव है सूक्ष्म हिंसा एक दिन में मर्डर नहीं होता समझना एक दिन में मर्डर नहीं हो सकता सूक्ष्म हिंसा है सूक्ष्म हिंसा वो ऊपर आती है उसका वृक्ष ऊपर बनता है धीरे 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 जमा होती है जमा होती है मर्डर करने का भाव हिंसा का भाव जमा होते 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 आखिर में मर्डर हो जाता है ये ऐसी प्रक्रिया है अगर ठीक से समझी गई जो लोग जागरूत है और इस दिशा में काम ही कर रहे हैं तो मैं इसे प्रक्रिया दे रहा हूं कि आप इस प्रक्रिया को अगर ठीक से समझो और जो आ रहे हैं जिस जो यहां पर तो आ रहे हैं उससे तो ये, ये समझना ही है कि धीरे धीरे अगर तुम ये समझने लगोगे तुम्हारे भीतर से हिंसा शून्य हो सकती है शून्य सूक्ष्म हिंसा प्रतिस्पर्धा जीरो हो ही नहीं सकती और ठीक से ये प्रक्रिया अगर फैलती गई फैलती गई फैलती गई इस जगत से हिंसा संपूर्ण शून्य हो सकती है संपूर्ण ठीक से इस प्रक्रिया को समझा जाए तू अगर गड़बड़ की तुमने उतावड़ की खाली शारीरिक रूप से लिया तुम चुक गए मार्शल आर्ट में जो हुआ मैंने जाकर देखा कि जो हुआ वो यही हुआ मार्शल आर्ट उसका हार्ट चुक गए उसका जो मैसेज है वो ही चुक गए तुम कि मैसेज क्या है मार्शल आर्ट का मार्शल आर्ट का मैसेज तुम्हारी आत्मिक शक्ति को जगाना जितनी भी प्रक्रिया है कराटे जूडो और भारत की भी बहुत पुरानी एक कला है केरला की हमारे धर्मानंद की <coughs> वो एक कला है जिसमें एक द्वंद युद्ध है और वो लकड़ियों से किया जाता है द्वंद युद्ध में दो हाथ में दो लकड़ी जिस तरह से कराटे में नान चप्पू होता है वो एक चेन से बंधा हुआ होता है इसमें दो लकड़ी खुली होती है और दो लकड़ी से यह द्वंद युद्ध किया जाता है हाथों से भी किया जाता है लेकिन इसका जो <clears throat> करने का ढंग है वो या तो लकड़ी से या तलवार से ये प्रक्रिया की जाती तो इस तरह की जो कलाएं थी उसका हार्ट चला गया यह कलाएं आध्यात्म के साथ जुड़ी हुई कला है यह ऐसे नहीं कृष्ण माहिर थे द्वंद्व युद्ध में क्योंकि उस समय में वो जो प्रक्रियाएं चलती थी मल युद्ध था या द्वंद युद्ध था तो उसमें उसकी निपुणता थी और उसका इतना ही कारण कि जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है अंतरदर्शन तुम्हें भीतर बोझिल एनर्जी को बाहर फेंकना है बोझिल शक्ति को बाहर फेंकना है उसको क्रिएटिव रूप देना है जैसे कि मैं छठी प्रक्रिया समझा रहा हूं वो बैक से करनी है बैक से मैं मेरी बैक प्रतिस्पर्धी के बैक में उसे स्पर्श करेगी दोनों को बैक स्पर्श करेगी वो मुझे मेरी ओर धकेलेगा मैं उसे उसकी ओर धकेलूंगा तो आगे का शरीर के जो भी मसल्स है आगे के शरीर के मसल्स की शक्ति पीछे की ओर जाएगी पीछे की ओर पीछे की ओर मुड़ेगी जिस तरह से तुम जब इससे आगे की प्रक्रिया थी ये दोनों प्रक्रिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और दोनों का मुख्य उद्देश्य आगे की चार प्रक्रियाओं में शक्ति जगती है उस शक्ति को ठीक से रूप देना उसको पूरे शरीर में फैला देना पूरे शरीर में उसे जहां जरूरी है उस शक्ति को वहां पहुंचा देना और भीतर की जो बिन जरूरी <coughs> विषाक्त द्रव्य उसे बाहर फेंक देना ये दो प्रक्रियाओं का काम है ये दोनों प्रक्रिया जुड़ी हुई है एक आगे से की जाती है जिसमें पीछे पीछे के मसल्स की एनर्जी आगे से निकलती है आगे की ओर जाती है पीछे के मसल्स और बैक की जो प्रक्रिया मैं अभी समझा रहा हूं कि जो बैक से की जाने वाली प्रक्रिया उसमें आगे के शरीर के जो मसल्स है आगे के शरीर पूरा आगे का शरीर पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक जितने भी मसल्स है तुम्हारे शरीर में जितने छोटे मोटे मसल्स है जितने भी मसल्स उसकी शक्ति है वो शक्ति पीछे की दिशा में जाती है पीछे की दिशा में तो दोनों द्वार खुल जाते हैं दोनों द्वार शक्ति का आवागमन है आगे से पीछे जाना पीछे से आगे जाना दोनों खुल जाते पूरा का पूरा तुम्हारा जो बैक है पूरा बैक वो प्रज्वलित हो जाता है पूरा शरीर ये प्रक्रिया ऐसी है जैसे कि आगे की प्रक्रिया है जब तुम आगे पंजे लड़ाते हो तो पीछे का पूरा जो बैक है प्रज्वलित होता है जब तुम पीठ लगाते हो पीछे की ओर और तो पूरा आगे का शरीर पूरा का पूरा उसके जो मसल्स है उसकी शक्ति जग जाती है और वो पीछे की ओर मुड़ती है तो जो पीछे का शरीर आगे का शरीर पीछे के मसल्स शरीर के ऑर्गन है कोई भी पूरा समझ लो बीच में ऑर्गन है हृदय है किडनी है इंटेस्टाइन है पूरे लीवर है जो भी है वो बीच में है पर्दा उससे आगे के मसल्स उसके पीछे के मसल्स तो ये दोनों प्रक्रियाओं से शक्ति की अवर जवर होती है शक्ति की अवर जवर होती है और उसके कारण पूरी शक्ति पूरी की पूरी शक्ति पूरे शरीर में फैल जाती है पूरे शरीर में फैल जाती है इस तरह का ये दोनों प्रक्रियाओं का जो विज्ञान है वो एक दूसरे से जुड़ता है ये अलग अलग प्रक्रिया नहीं समझ लो तुम खाली आगे ही कर रहे हो और पीछे को छोड़ रहे हो या तुम पीछे को कर रहे हो आगे को छोड़ रहे हो तो तुम आधा कर रहे हो फिफ्टी परसेंटेज अगर तुम करो तो ये दोनों प्रक्रिया साथ में करनी है छोड़नी नहीं है आगे की की तो तुम्हें बैक भी कर देना है क्योंकि मैं यह भी समझाऊंगा तुम्हें कि शरीर में रोज जो शक्ति पैदा होती है जब तुम काम करते हो त्रिनेत्र पर ध्यान रखते 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 काम करते हो तब तुम्हें पता चल जाता है कि कितनी बोझिल शक्ति है जिसे बाहर फेंक देनी ताकि मैं भीतर से फ्रेश हो जाऊं ये खास समझना है फ्रेशनेस खास समझनी है तुम्हारे भीतर आड़स नहीं चाहिए प्रमाद नहीं चाहिए क्योंकि आड़स प्रमाद का इतना ही कारण है कि वो पर्दा ला देगा जो जीवन की घटना है परमात्मा के साथ जो घटना घट रही है प्रतिपल उसके बीच पर्दा लाएगा आड़स प्रमाद निद्रा नहीं निद्रा उतनी जितनी शरीर को जरूरत है लेकिन आड़स प्रमाद नहीं सुबह में तुम जागे तुम्हारा शरीर एक्टिव एक्टिव करना है समझते जाना है कि किस तरह से शरीर को एक्टिव करे जब तुम निद्रा में जाओ <coughs> तुम शरीर को फ्रेश करके जाओ ऐसा नहीं थके थके निद्रा में न जाओ तुम शरीर को फ्रेशनेस में से निकालो एक बार स्नान करो फ्रेशनेस का पूरे ताजा करो शरीर को ताजा करो धीरे धीरे ये भी बताऊंगा कि किस तरह से निद्रा में उतरना है फ्रेश होकर तुम निद्रा में प्रवेश करो तो तुम जागोगे तब तुम फ्रेश होगे, अगर तुमने निद्रा में थके थके गए हो निद्रा में तो जब तुम बाहर आओगे थके थके हो सकते हो <clears throat> तो ये जो दोनों प्रक्रिया है वो इस तरह से करनी है कि अगर की तो दोनों साथ में करो तो जो शक्ति है आगे के मसल्स की पीछे की ओर जाएगी पीछे के मसल्स की जो शक्ति है वो आगे की ओर जाएगी और इसमें इतना नहीं कि खाली मसल्स ये शक्ति पूरे के पूरे जो ऑर्गन है जो सेंसिटिव ऑर्गन है पूरे शरीर के जो शरीर चला रहे हैं पूरे जिसमें से हमारा जीवन निकलता है प्रकट होता है जिसमें से हमारा जीवन जीवन चलाने के लिए सारे ऑर्गन जैसे कि हार्ट है हार्ट निकाल लो तुम नहीं जी सकोगे किडनी है किडनी को निकाल लो तुम नहीं जी सकोगे इंटेस्टाइन है निकाल लो तुम नहीं जी सकोगे <penso ask automatically>, UH, no तो ये जो सारे ऑर्गन है इसके ऊपर हमारा जीवन का आधार है तो ये दोनों प्रक्रिया ऐसी मैं दे रहा हूं तुम्हें कि ऑर्गन के जो भीतर के सूक्ष्म मसल्स है जो और व्यायाम है ऊपर ऊपर के मसल्स तैयार करता है लेकिन ये व्यायाम अगर ठीक से किया जाए तो सूक्ष्म भीतर के मसल्स है वो तैयार होते हैं और जितने तुम्हारे भीतर जो ऑर्गन है उसको संभालने वाले जो मसल्स है सूक्ष्म वो जितने तुम्हारे भीतर से तैयार होते गए तैयार होते गए इस तरह से तुम्हारा शरीर साधना के लिए तैयार होगा और अगर ठीक से तुमने प्रक्रिया की तो स्वयं प्रक्रिया ही प्राप्ति स्वयं प्रक्रिया जब तुम कर रहे हो तुम्हें मजा आएगा ये इसकी निशानी है जब तुम्हें कहीं भी मजा आया कि मजा आया उसका अर्थ है कि तुम्हारी शक्ति ने आत्मा को छुआ विद अकारण मजा इसकी निशानी कोई कारण नहीं कि खाली तुम बैग से तुम किसी को धकेल रहे हो यह कोई प्रक्रिया है? या तुम पंजों से उसे खसेड़ रहे हो और वो उसमें भी कुछ मिलने वाला नहीं कि चलो कोई गुरु तुम्हें कुछ सर्टिफिकेट देखा कि वाह क्या तुमने आज इसे को खसेड़ खशे, कर फेंका ना तो कोई तुम्हारा यहां कोई सर्टिफिकेट मिलेगा ना कुछ वही मगो रोटी फिर भी तुम्हें पता चलेगा कि वाह आज कुछ अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है आज कंटाड़ा नहीं आ रहा है कंटाड़े से उज्जवल नहीं भागेगा गांधीनगर जाएगा तो जरूर मजा से जाएगा कंटाड़ा से नहीं मैं तुम्हें इस स्थान ऐसे स्थान पर जब तुम हो मैं तुम्हें कहूंगा <clears throat> जब तुम कोई गुरु के पास हो या आध्यात्मिक वातावरण में हो जहां तुम आत्मा को जानने की प्रक्रिया समझ रहे हो सत्य की दिशा में जा रहे हो कभी भी कंटाड़े से मत जाना कभी भी मेरा संदेश ये है तुम्हें तुम समझ लो कि आज मेरा किसी से झगड़ा हो गया तो मुझे वो तरंग लेकर यहां से नहीं जाना है जब तक मैं पूरा स्वस्थ न हो जाऊं उसके प्रति मुझे मेरे भीतर कोई द्वेष न रहे कोई द्वेष रहे नहीं उसे गले लगाने की कोई जरूरत नहीं अलका को कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं रंजन माफी मांगने के लिए अंजार गई थी उसकी प्रतिस्पर्धियों के मुझे यह भी पता है कि रंजन आगे क्या करेगी अगर अभी भी मैं साथ में राखू रंजन वही भूल करेगी क्योंकि अंग्रेज के जमाने की पुलिस है और बहुत पुरानी साधक है वो आजकल की थोड़ी है कब से अब सेना कर रही है तो उसकी जो शक्ति होती है वो हमसे आगे होती है <coughs> वो वही भूल करेगी तुम आज माफी मांगोगे फिर मन वही आएगा देखना तुम। आज तुमने माफी चाहता हूं उसे गले लगाया एक या वो नाटक बाहर से होगा मुझे वो नाटक नहीं चाहिए तुम्हारा मुझे भीतर से बदला हट चाहिए कि तुम भीतर से बदले भीतर से आया प्रेम की नहीं आया बाहर से तो गले लगा लिया लेकिन भीतर से पर्दा बना है या भीतर से पर्दा खुला क्योंकि ये सत्य की दिशा है और सत्य बाहर नहीं किसी को दिखाने के लिए है ही नहीं और नाटक के लिए मैं स्वयं काफी हूं तुम्हें कुछ और करना ही न पड़ेगा तुम्हारा नाटक भी मैं ही कर लूंगा लेकिन जो सत्य की दिशा है हम सबको तुमको और मुझको यही जानना है कि भीतर क्या है हम भीतर क्या घट रहा है सच में प्रेम है सच में प्रेम है तो तुम्हें चेष्टा की कोई जरूरत नहीं मैंने चकले को डांटा ही है जब वो मेरे पास आज भी मैं उससे नफरत ही करता हूं बार फिर भी भीतर से नहीं कर रहा हूं तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं वो मेरे आसपास ही रहेगा उसका कारण है कि उसे कोई मैंने कभी उसे गले भी नहीं लगाया कि चलो चकले को कौन गले लगाए उसका भी अहंकार मेरा भी अहंकार टकराता है दोनों का लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कहूं अगर तुम्हारा भीतर से सच्चा प्रेम है देखना किसी भी व्यक्ति के प्रति भीतर से सच्चा प्रेम सच्चा प्रेम चाहिए मुझे तुम्हारा नकली प्रेम समर्पण चाहिए शब्द ही नहीं चाहिए समर्पण कि मैं हम तुम्हें समर्पित हो रहे हे hey गुरुजी हम तो कोई जरूरत नहीं होगी अगर तुम सच में तुम्हारा मेरे साथ मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूं मैं तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक हूं हृदय से तुम मेरे साथ जुड़े हुए या मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूं हम दोनों एक साथ जुड़े हुए कोई चेष्टा की जरूरत नहीं होगी चलो मैं तुम्हें गले लगाऊं तो ही मैंने तुम्हें प्रेम किया या मैं तुम्हारा अच्छा बोलूं तो ही मैं मैंने तुम्हें प्रेम किया मैंने तुम्हें गाली दी वो भी तुम्हें अच्छी लगेगी वाह ऐसे है लोग <coughs> गाम दियो हजार गाली दो कभी इम्बेलेंस हो गई नहीं तो वो जुड़ा हुआ है हजार में उसे डांटू नीच कहूं नीच भिखला सबके सामने आपकी कृपा वो मेरे पर डाल दे कि तुम ही ऐसे हो तो हमें नीचे रहेंगे तुम ऊपर उठो तो हम भी ऊपर उठेंगे तो ये सत्य का मार्ग है और सत्य बाहर नहीं सत्य सत्य हम स्वयं हमारे भीतर जो घट रहा है वो तो कोई भी व्यक्ति है उसके प्रति हमें ये देखना है कि अभी प्रेम नहीं आया कोई जल्दबाजी करने की जरूरत अभी खंजरी के प्रति घृणा है, है। गुरुना से आज तक संभालते आए गुरुा इतने साल कुछ ना हुआ तो आगे क्या होगा कुछ नहीं होगा एक दो साल और रखे ग्रुणा कुछ नहीं होगा लेकिन प्रेम चाहिए तो सच्चा प्रेम चाहिए <coughs> कोई प्रेम दिखावा नहीं प्रेम स्वयं प्राप्ति है और प्रेम स्वयं अपना काम करता है तुम खाली देखते जाओ कि प्रेम तुम्हारे भीतर से क्या क्या काम करता है <coughs> ओ, शांति ही, शांति ही, शांति ही। हम सब सदा हमारे भीतर परम शांति का अनुभव करते रहे हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे इस भावना के साथ इस प्रार्थना के साथ मुझसे जो बोला आपसे जिसने सुना उस परम दृष्टा स्वरूप परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं मेरा वंदन स्वीकार करे अस्तु